छत्तीसगढ़ का कौन बात है? अच्छा, आई है वो तो अटेंडेंस वाला कुछ नहीं लगती, अटेंडेंस वाला कुछ हाजिरी लगती है, हाजिरी तो एक चीज रही है भाई में, तो ये हाजिरी नहीं रखती तो खाना जो बनता है तो कैसे बनता है खाना? वो तो आप लोग अगर बनाओगे तो अगर कोई सरकारी अफसर आएगा वो तो आप आपको तनख्वाह देता है सरकार? नहीं देती ना, आप सरकार के नहीं हो, हमें इच्छी हो तो आप पढ़ा रहे हो स्कूल में, अगर कोई सरकारी अफसर आ जाएगा वो तो आपको बोलेगा आपने कानून, आप तो स्कूल की जमीन को आपने जब्त कर लिया है, आप तो सरकारी आदमी तो हो नहीं, मास्टर तो बोलेगा हम जानते नहीं साहब कौन है ये। अरे आपको मैं जानता हूँ, आप मुझे जानता हूँ, मैं सरकारी अफसर नहीं हूँ, लेकिन मैं तो ये बोलूँ कि सरकारी अफसर अगर आके ये बोल दे कि साहब आप कौन हैं, आप तो सरकारी मुलाजिम नहीं हो, हम क्या करें, एक एक मास्टर नहीं हम पढ़ाते हैं गांव का, आप यहाँ का, हाँ तो गांव वालों का आपके साथ देना पड़ेगा ना, ये भी अफसर नहीं कि मास्टर को पैसा देता है सरकारी वाले पढ़े लिखे हैं, सरकारी भी पैदल जाता है, पैदल कितना दूर है यहाँ से? मुझे लगेगा कि हाँ 20 मिनट लगेगा, 12 टर्न है तो आप आए हम भी खा ले आपके साथ बैठ करके, हमें भी भूख लग गया है, खा ले बैठ करके। अरे ये तो खाने नहीं दे रही हमें, बताओ अरे यार तेरी बार खाना क्या खा रहे हो? बोले हमें भी खाने ज्यादा है इसमें लाया देखिए यहाँ 6 टीचर है, 2 आते हैं, 4 गाय प्राते बुलाते हैं, 4 गाय प्राते बुलाते हैं, 4 गाय प्राते। तो हम लोग पूछो कि भाई ये क्या मैंने खेती किसी से करवाते हैं जो कि मैंने ऐसा होता है, ऐसा मैंने संविधान में लिखा हुआ है कि 6 की जगह 4 अवे, 2 अवे नहीं अवे, तो ऐसा कुछ संविधान में होगा? हमारा खाने पड़ता है, सरकार 6 की तनख्वाह दे रहा है सर, 2 अवे आके पढ़ाते हैं, और मान लीजिए कि जैसे क्लास होते हैं अलग अलग, सब क्लास होते हैं तो 2 टीचर सारे बच्चे संभाल लेंगे सर, सोचो 100 बच्चा आए हैं पर देखिये सर लिखे हुए अभी मुखिया भी कहे लेकिन आज तक किसी तरह शिकायत तो हम लोग हार जाते हैं सर, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ हम लोग, तो क्या करें सर, हम लोग अनपढ़ आदमी, जंगल का आदमी, अनपढ़ गवारा है हम लोग। अब ये है ना क्या हम लोग आप लोग सब सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी हमारी इसी तरह है? सर हम लोग तो नहीं सोचते आने वाला पीढ़ी ऐसा है जैसा हम लोग, समझ में सुविधा नहीं थी, अब सुविधा है जी सर, सरकार की तरफ से है तो उसको सुविधा तो आप लोग, लेकिन सर हम लोग जितने जाने उतने तक दौड़ कूद करें सर, आप मान लिया आपका तरह हमारे जाने की क्षमता है तो वहीं तक जाए सर, आपका आगे हमारे जाने की देखने देखल नहीं था, वहाँ वहाँ कहाँ तक पड़े तो क्यों नहीं टीचर्स आते क्यों नहीं है, क्या कारण हो जाता है? नहीं टीचर्स लोग आते क्यों नहीं, क्या कारण हो जाता है? मैं आपका नहीं बोलूँ, जो आप नियुक्ति तो पंचायत की तरफ से हुई, लेकिन जिनकी जो सरकार की तरफ से जिनकी नियुक्ति हुई है, जिनकी सरकार की तरफ से नियुक्ति हुई है तो वो टीचर क्यों नहीं आ रहे? उनको तनख्वाह मिल रही है, पूरी मिल रही है, ऐसा तो नहीं तनख्वाह नहीं मिल रही, मिल रहा करेगा जब तनख्वाह मिल रहा करेगा तो फिर उनको आना भी तो पड़ेगा, नहीं पड़ेगा हाँ आना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ये बताइए कि तनख्वाह।